दोस्तों, हम में से बहुतों का किसी न किसी रूप में TDS अभी तक डिडक्ट हुआ होगा या डिडक्ट होने वाला होगा। तो 2024 में अगर आपको TDS डिडक्शन से रोकना है तो आप कैसे बच सकते हैं, इसमें हमारे पास दो फॉर्म्स अवेलेबल हैं। इनकम टैक्स के अंदर 15G और 15H फॉर्म, दोनों ही फॉर्म को डिटेल में आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो एंड तक ज़रूर देखिएगा, साथ में मैक्सिमम लोगों के साथ शेयर कीजिएगा ताकि उनको भी अपडेट और अवेयरनेस मिल सके और वो भी अपना TDS जो है डिडक्ट होने से बचा पाए। तो यहाँ पे इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं फॉर्म 15G जो कि इंडिविजुअल्स के केस में एप्लीकेबल है और फॉर्म 15H जो कि सीनियर सिटीजन के केस में एप्लीकेबल है। इसमें इंडिविजुअल और सीनियर सिटीजन कब फाइल कर सकते हैं इस फॉर्म को, कौन फाइल कर सकता है और किसको फाइल कर सकता है और कैसे फाइल करना है, स्टेप बाय स्टेप गाइड जो है इस वीडियो में अवेलेबल है। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे आज के इस वीडियो को। तो दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल टैक्स आते पे फर्स्ट टाइम विजिटर हैं, आपने हमारे चैनल टैक्स आते को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले जाके सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने के साथ साथ ऑल आइकन पे क्लिक कर दीजिए ताकि आपको लेटेस्ट टैक्स वीडियो नोटिफिकेशन जो है टाइमली मिलते रहें। अब आपको हमारे चैनल पे वीडियोस के साथ साथ शॉर्ट्स भी अवेलेबल हो जाएंगे जिसमें आप खुद को शॉर्ट्स के माध्यम से क्विकली अपडेट करवा सकते हैं। साथ में अगर आपको किसी भी तरह की एक्सपर्ट एडवाइस चाहिए तो आप हमें मेल कर सकते हैं, मेल आईडी हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई है और आप हमें अब व्हाट्सएप के द्वारा भी कांटेक्ट कर सकते हैं, मोबाइल नंबर भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। तो हम यहां पे बात करेंगे फॉर्म 15G की। 15G अगर आप एक इंडिविजुअल हैं या आप ऐसे पर्सन हैं जो कंपनी और फर्म की कैटेगरी में नहीं आते हैं तो आप इजीली अपना ये फॉर्म 15G भर के इनकम पे टैक्स डिडक्शन को रोक सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले आपको डिटेल देनी है आपका नाम, उसके बाद आपका पैन नंबर, कॉलम 3 में आपको देनी है डिटेल आपकी स्टेटस की, स्टेटस यानी कि आप इंडिविजुअल हैं, HUF है या कुछ और है, तो यहाँ पे आपको आपका स्टेटस बताना है। फिर बताना है प्रीवियस ईयर, प्रीवियस ईयर यानी कि आपका फाइनेंशियल ईयर जिससे आपकी इनकम जनरेट हो रही है और उस इनकम पे टैक्स कट रहा है। जैसे कि हम एग्जांपल में समझते हैं कि जैसे 31 मार्च 2024 में आपको इंटरेस्ट इनकम किसी से रिसीव हो रही है, बैंक आपको इंटरेस्ट इनकम देने वाला है और बैंक उस पर TDS डिडक्ट करने वाला है, तो उस TDS से बचाने के लिए आप यहाँ पे इंटरेस्ट इनकम का 15G फॉर्म भरेंगे और उसमें बताएंगे कि आपका 23-24 का जो प्रीवियस ईयर है यहाँ पे 23-24 भरेंगे और अपनी इनकम की डिटेल देंगे और ये बोलेंगे कि आपको यहाँ पे TDS डिडक्ट नहीं करना। उसके बाद आपका जो है कि रेजिडेंशियल स्टेटस, अब रेजिडेंशियल स्टेटस क्या मायने रखता है, यहाँ पे जो नॉन रेजिडेंट है वो यहाँ पे ये फॉर्म का बेनिफिट नहीं ले सकते, तो आपको रेजिडेंट ऑफ इंडिया होना बहुत ज़रूरी है इस फॉर्म को भरने के लिए। अब हम बात करते हैं आपके एड्रेस की, तो आपको सारी डिटेल्स देनी है एड्रेस की, जैसे फ्लैट का नंबर हो गया, डोर नंबर, ब्लॉक नंबर, प्रमाइसिस का नेम हो गया, रोड, स्ट्रीट, लेन, एरिया, लोकेलिटी, आपके टाउन, सिटी, स्टेट, पिन, ईमेल आईडी भी देनी है आपको, आपका मोबाइल नंबर और आपको यहाँ पॉइंट 15 में आपको जो डिटेल देनी है वो देनी है कि कौन से असेसमेंट ईयर के अंदर आपका असेसमेंट हुआ है, मतलब इनकम टैक्स में आपने दी थी डिक्लेरेशन लेकिन अब इनकम टैक्स ने आपको असेसमेंट किया है और उसमें आपके टैक्स लाइबिलिटी आ रही है, तो आपको अगर असेसमेंट हुआ है तो यस, अदरवाइज नो। और जब आप इसमें यस करते हैं तो उस असेसमेंट ईयर का रेफरेंस लिखना है, जैसे कि आपका 19-20 के अंदर हुआ है, 20-21 के अंदर हुआ है, तो उस असेसमेंट ईयर को यहाँ पे लिखना है। अब बात करते हैं पॉइंट 16। पॉइंट 16 बात करता है कि एस्टिमेटेड इनकम जिस पे आप ये डिक्लेरेशन फाइल कर रहे हैं, तो टोटल एस्टिमेटेड इनकम आपको लिखनी है। उसके बाद एस्टिमेटेड टोटल इनकम यानी कि आपके पूरे साल की कितनी टोटल इनकम है वो आपको यहाँ पे मेंशन करनी है जिसका डिक्लेरेशन आप दे रहे हैं फॉर्म 16 के अंदर। उसके बाद आपको डिटेल देनी है डिटेल ऑफ फॉर्म 15G, इसके अलावा आपने और कौन कौन से फॉर्म भर दिए। तो 15G फॉर्म जो है ना केवल आप इंटरेस्ट के लिए भर सकते हैं बल्कि आप अपनी सैलरी में टैक्स डिडक्शन के लिए भी आप यहाँ पे फॉर्म 15G भर सकते हैं। उसके बाद अगर आपकी कोई डिविडेंड इनकम आती है तो वो भी आप रिस्पेक्टिव कंपनी को अपना फॉर्म 15G दे के आपकी टैक्स डिडक्शन को रोक सकते हैं। उसके बाद अगर कोई डिडक्शन आपके करता है, जैसे कि कोई कॉन्ट्रैक्टर है, आपको कोई कॉन्ट्रैक्ट सर्विस फी आ रही है, जॉब फी आ रही है, तो उसके लिए भी आप यहाँ पे फॉर्म 15G भर के उसमें टैक्स डिडक्शन को जो है लाइबल, अगर आप टैक्स डिडक्शन के लिए लाइबल नहीं है तो आप यहाँ पे टैक्स डिडक्शन को रोक सकते हैं। उसके लिए आपको यहाँ पे मेंशन करना है कि कितने नंबर ऑफ फॉर्म्स यहाँ पे मेंशन कर दिए आपने जो है दिए हैं। उसके बाद टोटल नंबर ऑफ फॉर्म जो आपको नंबर
डालना है और उनका जो एग्रीगेट अमाउंट है जो आपके द्वारा फाइल किया गया है, जितनी अमाउंट ऑफ इनकम वहां पे आपने डिस्क्लोज किए वो टोटल इनकम आपको यहाँ पे डालनी है। उसके बाद आपको देना है डिटेल ऑफ इनकम फॉर विच द डिक्लेरेशन इज फाइल्ड। अब उसके लिए आपको क्या अभी क्या डिटेल देनी है पॉइंट नंबर 19 के अंदर, पॉइंट नंबर 19 के अंदर आपको देनी है डिटेल, जैसे कि आपको इंटरेस्ट इनकम है तो आपको यहाँ पे लिखना होगा आइडेंटिफिकेशन नंबर ऑफ रेलेवेंट इन्वेस्टमेंट और अकाउंट नंबर, जैसे कि आपका एफडी अकाउंट है तो उसका एफडी अकाउंट का नंबर देना है, नेचर ऑफ इनकम आपका इंटरेस्ट इनकम हो गया, सेक्शन जिसके अंदर आपका टैक्स डिडक्शन होता है तो 194A के अंदर आपका टैक्स डिडक्शन है, और अमाउंट ऑफ इनकम जो आपकी अमाउंट ऑफ इनकम है। फिर आपको यहाँ पे डिक्लेरेशन को सिग्नेचर करना है, उसके बाद यहाँ पे वेरिफिकेशन करना है, वेरिफिकेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वेरिफिकेशन में आपको अपना नाम देना है, असेसमेंट ईयर लिखना है और प्रीवियस ईयर लिखना है, और उसके बाद आपको यहाँ पे लिखना है कि जो कॉलम 18 है, कॉलम 18 बात करता है यहाँ पे अदर फॉर्म्स जो फाइल हुए हैं उसका भी आपको यहाँ पे प्रीवियस ईयर और असेसमेंट ईयर लिख के यहाँ पे लिखना है कि आपको डिक्लेरेशन में ये बताना है कि जो टोटल अमाउंट है, टोटल इनकम जो बनती है सारे फॉर्म्स के भी मिला के, आपकी जो मैक्सिमम लिमिट है जो चार्जेबल टू टैक्स है यानी कि बेसिक एग्जम्पशन लिमिट से ज़्यादा नहीं है, तो आप यहाँ पे वेरीफाई करेंगे, आपका प्लेस डालेंगे, डेट डालेंगे और आपका सिग्नेचर डालेंगे। इस तरह से आपका फॉर्म 15G जो है आपको फाइल करना है। ये न केवल आप अपने बैंक्स को बल्कि जो भी आपका TDS डिडक्ट कर रहा है, चाहे वो कंपनी है चाहे आपका एम्प्लॉयर है, उनको आप दे के अपना TDS डिडक्शन जो है रोक सकते हैं। अब हम बात करते हैं फॉर्म 15H की। दोस्तों अगर फॉर्म 15H की मैं बात करूँ तो फॉर्म 15H आपको फाइल करना है अगर आप है सीनियर सिटीजन। सीनियर सिटीजन यानी कि जो आपकी एज है वो 60 ईयर और उससे अबव है, तो आपको TDS डिडक्शन से एग्जम्पशन लेनी है, तो आप इस फॉर्म को फाइल करेंगे 15H को। 15G की तरह ही आपको यहाँ पे नाम देना है, आपका पैन नंबर देना है, डेट ऑफ बर्थ देनी है, प्रीवियस ईयर देना है, और आपका फ्लैट नंबर, ब्लॉक नंबर, आपका एड्रेस, मेल आईडी, आपका टेलीफोन नंबर, और आपका अगर कोई असेसमेंट हुआ है तो उसमें असेसमेंट ईयर की डिटेल देनी है, उसके बाद आपकी टोटल इनकम की डिटेल देनी है जिसके लिए आप यहाँ पे टैक्स डिक्लेरेशन दे रहे हैं ये डिडक्शन की, जैसे कि जो इनकम है, जैसे कि फॉर एग्जांपल आपको कोई पेंशन इनकम है उस पर आपका TDS डिडक्ट हो रहा है तो आपको उसकी एस्टिमेटेड पेंशन इनकम की डिटेल देनी है, उसके बाद आपकी एस्टिमेटेड टोटल इनकम की डिटेल देनी है कि कितनी टोटल इनकम आपको ड्यूरिंग द ईयर रिसीव हो रही है, उसके बाद अगर आपने इस फॉर्म 15H के अलावा कोई और 15H फॉर्म भरा है तो उसकी डिटेल देनी है, टोटल नंबर ऑफ फॉर्म कितना है और उसका एग्रीगेट इनकम कितना है। उसको देने के बाद आप जिस इनकम के लिए आप यहाँ पे फॉर्म भर रहे हैं फॉर्म 15H, तो उसमें आपको सबसे पहले आपका नंबर, आपका जो इन्वेस्टमेंट है या अकाउंट है उसका नंबर, उसकी डिटेल देनी है, नेचर ऑफ इनकम बतानी है आपको, उसके बाद किस सेक्शन के अंदर आपका जो TDS डिडक्ट हो रहा है उस सेक्शन, और टोटल इनकम। उसके बाद आपको यहाँ पे सिग्नेचर करना है अपना। सिग्नेचर करने के बाद आपको वेरीफाई करना है। वेरीफाई में क्या करना है, सिंपल सा ये वेरीफाई करना है कि जो आपका एग्रीगेट अमाउंट है वो आपका टैक्सेबल लिमिट के अंदर ही है, टैक्स के बाहर नहीं है। तो आप यहाँ पे क्या डालेंगे, अपना नाम डालेंगे, आप यहाँ पे जो है रेलेवेंट फाइनेंशियल ईयर डालेंगे और असेसमेंट ईयर डालेंगे, और ये बोलेंगे कि आपका जो इनकम है वो बिलो एग्जम्पशन लिमिट है और आपका यहाँ पे टैक्सेबिलिटी नहीं आता है। फिर यहाँ पे प्लेस देंगे, डेट देंगे और अपना सिग्नेचर करेंगे। तो इस तरह से फॉर्म 15H सिमिलर टू 15G आप फाइल करके जो है अपना टैक्स डिडक्शन से बचा सकते हैं। TDS को लेके कोई भी स्पेसिफिक क्वेरी है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, मेल कर सकते हैं आप हमें taxsati8@gmail.com पे, और मोबाइल नंबर भी अब आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं व्हाट्सएप के थ्रू। मोबाइल नंबर जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नीचे दिया गया है, आप हमें सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि ऐसे ही लेटेस्ट वीडियो अपडेट आप सभी को मिल सके। तो चलिए आज के इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं ऐसे ही लेटेस्ट वीडियो अपडेट के साथ, तब तक के लिए कीप वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।